Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। 12 अगस्त को आरा के रमना मैदान में नवदुर्गा मंदिर के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बंटी भारद्वाज ने बताया कि इस कार्यक्रम में भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक सह नायक गोलू राजा एवं प्रसिद्ध गायिका साक्षी राज सहित कई कलाकार मौजूद रहेंगे। वर्ल्ड बायो फ्यूल डे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 10 जैव ईंधन रिफाइनरी लगाने की योजना बनाई गई है। हम कचरे से बायो सीएनजी लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकारों ने एथेनॉल उत्पादन कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी के काफी इस्तेमाल को देखते हुए हम सीएनजी के आयात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही हमें गाँव में सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ नजर आएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग की ओर से आयोजित एक जनपद एक उत्पाद समिट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने लाभार्थियों को ऋण पात्र और टूल किट भी बांटे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को चिंता बढ़ाने वाली खबर मिली है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर जानकारी सामने आ रही है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भतीजा और उसका भाई अब्दुल रऊ भारत में है। ये दोनों देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इतना ही नहीं, ये दोनों श्रीनगर और राजधानी दिल्ली के टेरर मॉड्यूल भी बना रहे हैं। राज्यसभा में सभापति ने कहा कि करुणानिधि के निधन के बाद एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि हम शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल की जगह विधेयकों को पेश करेंगे। सभापति ने सदन में आज बताया कि इस सत्र में 3 तलाक बिल पेश होना था, लेकिन वो अब इन दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए ये बिल पेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये बिल पेश होना था लेकिन अब नहीं हो पाएगा। सभापति ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि आज सत्र का आखिरी दिन है और आप लोग सदन को चलाने में हमारी मदद करें। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। कांग्रेस ने आज चीफ जस्टिस की बेंच के सामने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर बेंच ने याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गयी। अगले हफ्ते याचिका पर सुनवाई होगी। राजीव गांधी हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आरोपियों की रिहाई का विरोध किया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई होती है तो इससे देश के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाएगा। दिल्ली की आप सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का विदेश में इलाज कराने जा रही है। शीला दीक्षित ने 30 जुलाई को दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को एक पत्र लिखकर फ्रांस में हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन की सलाह पर फैसला लेने के लिए 4 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम गठित की है, जिसके बाद से ये कमेटी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देगी और उसके बाद शीला दीक्षित फ्रांस में जाकर ये सर्जरी करवा सकेंगी। सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी किए जाने के लिए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। न्यायालय हेमराज की पत्नी की याचिका के साथ ही इस पर सुनवाई करेगा। दरअसल राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को ये याचिका दायर की। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। राजधानी दिल्ली में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के गोल मार्केट के पास एक सरकारी स्कूल के कैंपस में दूसरी कक्षा की लड़की के साथ इलेक्ट्रीशियन ने ही बलात्कार किया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी होने के बाद आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर स्कूल के पंप हाउस के अंदर ले गया, जहाँ उसके साथ रेप किया गया। बच्ची ने बताया कि लाल शर्ट पहने एक अंकल उसे अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
IRCTC की तरफ से फ्री में दी जाने वाली सुविधा के लिए अब एक निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में टिकट बुक कराते समय पहले के मुकाबले आपको ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल IRCTC की तरफ से 1 सितंबर से ई टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा खत्म की जा रही है। अगर कोई यात्री इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसे ई टिकट कराने के लिए पहले से ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अलग से चार्ज देना होगा। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि अगर मैंने अपना गलत बयान दिया था तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि दलाई लामा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि महात्मा गांधी चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के लिए शीर्ष पद पर विराजमान हो, लेकिन पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने आत्म केंद्रित रवैया अपनाया था। दलाई लामा के इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ था। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। केरल में बाढ़ और जमीन धंसने से 26 लोगों की मौत की खबर है, जिससे वहां सेना, नेवी और NDRF की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। एर्नाकुलम में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। एर्नाकुलम के इडमलयार डैम में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। अब ड्राइविंग के समय कोई पुलिस वाला आपसे ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने को नहीं कहेगा, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ट्रैफिक पुलिस और राज्य के परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि अगर कोई चालक डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप के जरिए आपको DL और RC या बीमा दिखाता है तो उसे वैध दस्तावेज के मामले में माना जाएगा। यानी अब दस्तावेज आपको अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। इन दिनों लगातार वेब सीरीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। बेहद अलग तरह के विषयों से लेकर बोल्ड विषयों तक हर प्रकार की चीजों से वेब सीरीज इंटरनेट पर छाई रही है। ऐसे में अब क्षेत्र में सबसे चौंकाने वाली एंट्री हुई है राधे माँ की। जल्द ही राधे माँ एक वेब सीरीज राधे माँ के साथ दर्शकों के बीच देखने को मिलेंगी। हाल ही में इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM India TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।